शादाब अख्तर अल्ताफ हुसैन शेख। प्यारे बच्चों, दी गई सरगर्मी से आप ये जान ही चुके हैं कि जिला सतारा का महाबलेश्वर मकाम सर्द मकाम के तौर पर मशहूर है। यहाँ एक मखसूस जगह को गुरूब आफ्ताब देखने का मकाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं सुबह से रात तक। बच्चों, तुमने देखा होगा कि रात का खत्म होने का एहसास परिंदों को होता है। वो कैसे? बहुत सुबह से ही इनकी चहचहाहट शुरू हो जाती है। अगर कहीं करीब मुर्गा हो तो इसकी बांग सुनाई देती है। परिंदे घोंसले से बाहर आते हैं, यूं इनकी गिजा की तलाश शुरू हो जाती है। फूलों के पौधों पर मौजूद कलियां आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगती है और फूलों में तब्दील हो जाती है। इन फूलों में मीठा शहद होता है, वो जमा करने के लिए शहद की मक्खियां आने लगती है। तितलियां, भौरे और दूसरे कीड़े फूलों के अतराफ मंडलाना शुरू करते हैं। हमारे अतराफ के लोग अपने अपने कामों में निकल जाते हैं और हम भी काम खत्म करके स्कूल की तैयारी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, चरवाहे अपने पालतू जानवर गाय, भैंस, बकरियां वगैरह चराने के लिए जंगल जाते हैं। पेट भरने पर ये जानवर सुकून की जगह बैठ जाते हैं और जुगाली करने लगते हैं। बच्चों, जुगाली करने का मतलब है कि जानवर चरते वक्त जो चारा या घास मोटा चबाकर निगल लेते हैं, उसे दोबारा मुंह में लाकर बारीक चबाकर निगल लेते हैं, उसे जुगाली करना कहते हैं। शाम होने पर ये जानवर कोटे पर वापस आते हैं। परिंदों के झुंड घोंसलों की तरफ वापस आते हैं। तुम स्कूल से वापस आते हो, लेकिन कुछ शबगर्द जानवर जानदार सूरज गुरूब होने पर गिजा की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। पतिंगे, झिंगर, टिड्डे और जुगनू इन जानदार में शामिल हैं। शेर, चमगादड़, उल्लू भी शबगिर्द जानदार है और कुछ फूल रात में खिलते हैं। रात रानी, गुले शब्बो जैसे फूल रात ही में खिलते हैं।